अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मारिया, मेरी मम्मा का नाम है आदम। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आदम महविश के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरजे महविश ते तुसा मेरा यूट्यूब चैनल ले दे पियो मेरे अपने नाम ते। काफ़ी निवारा दोस्तों तुहाडा ते साडा राबता नहीं थी सी गया, जैंदी वजह ही कि थोड़ी जी मसरूफियात तक पता है घर दे सारे कामकार मेरे अपने जिम्मे होंदे न ते मैं आप ही करने होंदे न, ही वजह तो तुहाडा ते साडा काफ़ी नागा थी गए, जैंदी वजह तो मेरे काफ़ी सारे व्यूजर बहुत ज़्यादा कम थी गए ते कामकार को जो ही असा फारिग थाए हैं ते काफ़ी सारे दोस्तों का इसरार रही कि महविश तुसा अपने सराइकी जबान को पिछूते कर दीते, लेकिन मेरी मजबूरी सब को पहली मेरे सारे दोस्त सुन गिन सो कि मैं अपने चैनल को खुशी को नहीं चलाया, मैं मजबूरी को चलाया, मेरे छोटे छोटे बाल हैं। तो सराइकी भेणी बिरावें की भी गाल ठीक है, मैं सारे की गाल मनेंदी और गाल सिर अखी ते, लेकिन सराइकी को सारे ही खिते देखा वेंदे और सराइकी को इतना कोई भी नहीं समझ सकता, इतना सारे पाकिस्तान के अलावा या गैर मुल्क जे सारे भेणी बिरा गए पर वह समझ सकते हैं। जी सारी उर्दू जबान है वह तो पता है पूरे तमाम ममालिक समझ आवेदी काफ़ी सारे लोगों को। तो चैनल को मैं चलावन किए और चैनल के व्यूज अच्छे गिनने वास्ते मैं थोड़ी उर्दू में वल रही हाँ और मेरिया मजबूरियां तुसा भी तमाम भेणी बिरा समझे सो। तो मैं तो एक दफ़ा वलार कर छुड़े सा कि मैं कुछ वीडियो उर्दू ही बड़े दी रहा और कुछ सराइकिए ताकि जे सराइकी बिराए वो भी नाराज ना थी मन, तो जे देखने वाले गैर ममालिक तो मे को उन्हें को मैं उर्दू में भी इंटरटेन कर सकता। तो अज की वीडियो बहुत ही तमाम दोस्तों के इसरार से बनती पई है, काफ़ी सारे सारे दोस्त आखे ने महवे जी तुसा शायरी तुरी बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ आई, तो वह तो तुहाड़ियां तमाम दोस्तों दी कमाल मुहब्बतां दे कमाल मेहरबानियां, तो तुसा मेरी आवाज़ पसंद करें देवे ते मैं उन्हें वास्ते तमाम दोस्तों दी भेणी बिरावें दी बहुत ज़्यादा मशहूर ते शुक्रगुजार हाँ। तो काफ़ी निवारे तो तुसा मेरी लाइव पोएट्री कहना सुनी, डोड़े कहना सुनिया, डोड़े का इंतखाब तुहाको पता है मैं शाकिर शुजाबादी साहब के कलाम की बहुत ज़्यादा फैन हाँ और उन्हें जहाँ कलाम सराइकी कोई भी नहीं लिख सकता ते ना कर सकता, लेकिन उन्हें तो बाद भी बहुत अच्छे शायर हैं जेड़े अच्छी शायरी लिखते पैन, तो असा अज बहुत अच्छे डोड़े तुसा दोस्तों की खिदमत पेश करे सूँ। तो मैं को पूरी उम्मीद है कि तुसा मेरी अज की लाइव वीडियो बहुत पसंद करे सो, तो जेरे मेरे चैनल ते नवे भीरा नवे भेणियां उन्हें को मैं हमेशा भी गुजारिश करें दी रह वी हाँ, तो अज वाला गुजारिश करे सा ते मेहरबानी करे सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर छुड़े सो, तो नाल ही खड़े घंटी के बटन को भी दबा छुड़े सो। इंदा तुहाको ये फायदा थी सी कि मेरे चैनल ते जेरी मेरी नवी वीडियो अपलोड थी सी वो फौरन तुहाको सर्च करन दी जरूरत ही ना पोसी, आटोमैटिक मिल वे सी। तो हुण जुलदी है अपनी शायरी की तरफ, तो तुहाको सुनेनी आ मैं मज़ेदार किस्म के डोड़े, तो मेरे को पूरी उम्मीद है जेरे परदेस भीरा गए पैन दुबई सऊदी वो बहुत ज़्यादा वतन को दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमी महसूस करेंगे अपने वतन की अपने प्यारे की, तो खास डोड़े शायरी मैं हमने दोस्तों वास्ते बिरावे वास्ते करेनी हाँ ताकि तुसा अपने वतन की याद एक अपने अंदर की जी एक तकलीफ है वो को थोड़ा अपने दर्द को कम अपने दर्द को कम कर सको। तो ये शायरी जी इंसान की रूह की गिज़ा होंगी है, आख्या इवें वेंदे शायरी होवे या कोई गाना होवे ये होंगी रूह की गिज़ा, तो जेले इंसान को रूह की गिज़ा ना मिले तो इंसान थोड़ा कमज़ोर तो सुस्त थी वेंदे। तो जुलदी है तुहाड़ा मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी शायरी की तरफ, इंशाल्लाह मेरे को पूरी उम्मीद है मेरे अज के अच्छे अच्छे डोड़े तो पसंद आ उस जेरे दोस्त को मेरा जेरा डोड़ा पसंद आवे वो तले कमेंट बॉक्स में कमेंट करे सी, क्योंकि तुहाड़े कमेंट ही मेरी हौसला अफजाई करें देन, तो मेरे हिम्मत पैदा थी है, तो मैं मजीद तुहाड़ी खिदमत अच्छा अच्छा वीडियो बनानी हाँ। तो अपने दोस्तें बिरावें तो भेणी जे गैर ममालिक तुरे दिन उन्हें की खिदमत मैं पेश कर सक जी। दोस्तों पहला डोड़ा मैं तुहाड़ी खिदमत पेश करे सा ये लिखा हुआ है शायर इसहाक हुतानी साहब का, लिखते न एक बशर किते एक लहजे विच, एक बशर किते एक लहजे विच कायनात यकी ठुक रही हासे चढ़ा लई हासे। बहुत ही खूबसूरत लिखते न एक बशर किते एक लहजे विच कायनात यकी ठुक रही हासे चढ़ा लई हासे। असा खून दे रिश्ते त्रोड़ करई हर कहीं दे नाल वनई हासे चढ़ा लई हासे। असा मुर्शिद मौत को मूंढे ला भी हर एक तांग मुकई हासे जडा लई हासे। बस मुकदी गाल इसहाक मुकऊं, बस मुकदी गाल इसहाक मुकऊं, असा जिंदगी दाते लई हासे जडा लई हासे। उन्दे तो बाद नेक्स्ट डोड़ा मैं सुने सा ये डोड़ा खास परदेसी दोस्तें बिरावे दे ना जेड़े वतन को ही टाइम दूर हैं ते अपने प्यारे की कमी महसूस करें दे ना, ये उन्हें दिल को ही पुछ सकते इंसान कि उन्हें दिल से क्या गुजरती है जेरे अपने वतन को दूर चले वेंदे अपने प्यारे को छोड़ के। तेरे बाद वन दी जान मेरी जी बुत दी जंग हे वाला तू,
तेरी बाद वन्यन दे जान मेरी जी बोत दी जंग हे वाला तू थई निंद्र नाराज हे अखियां तू हंज लहू दा रंग हे वाला तू कोई झोक निभा दी सुध कैनी मेला चेता दंग हे वाला तू इस हाक हे घर गुस्तान वांगू साहबुत तू तंग हे वाला तू साहबुत तू तंग हे वाला तू तई नाल जो गुजरी शाम साड़ी हर शाम दी शाम तू याद आने उतू रात पौंदी तनहाइयां दी दिसे घर वैरान तू याद आने अधी रात नू उठ उठ रोवा मैं थिवे फजर आजान तू याद आने दी रोंदे आ शाकिर लंघ वेंदे वल थींदी ए शाम तू याद आने वल थींदी ए शाम तू याद आने। शाकिर साहब लिखते न तू लख करोड़ हजार सही तू लख करोड़ हजार सही मैं कख दी नहीं लाचार सही तू बाग बहार दी रौनक सही तू गुल फुल ते मैं खार सही मैं कु शाकिर अपने नाल चरख मैं कु शाकिर अपने नाल चरख मैं नौकर तू सरकार सही मैं नौकर तू सरकार सही तू साडा दिलबर बण ना बण हे गाल सफा असा तेडे है तू साडा दिलबर बण ना बण हे गाल सफा असा तेडे है दी जाम विशाल दे भर साकू भावे जहर पीला असा तेडे है साडे डूए हथ हिन अखियां ते जे जी कसम चवा असा तेडे है रख आप गुलामी विच शाकिर भावे वेच वटा असा तेडे हैं भावे वेच वटा असा तेडे हैं। जी दोस्तों ये आखिरी डोड़ा मैं तुम्हारी खिदमत पेश करे सा ते नाल ही पिछे मैं तुसा दोस्तें को इजाजत गिन सा तू मैडा ही मैं तेडी हाँ ई गाल को यार भुलावी ना तू मैडा ही मैं तेडी हाँ ई गाल को यार भुलावी ना सारे प्यार ता हिन कोरूर वांगू कहीं मोड़ ते ठोकर लावी ना असा जल तू दिल दे नाजुक है सारे नाल तू सख्त अलामी ना असा फड़क के जानी मर वेसू असा फड़क के जानी मर वेसू हथ गैर दे हथ च पावी ना हथ गैर दे हथ च पावी ना। जी दोस्तों मेरे को पूरी उम्मीद है मेरी आज की वीडियो तक पसंद आई उसी पसंद आवन की सूरत मेरे चैनल आर जे महवेश को जरूर सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो तो आई दी बन के वीडियो का कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लाजमी करे सो अल्लाह निगेबान। मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ मैं कुरान पाक पढ़ने जाती हूँ मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ।